बच्चों आज हम देख रहे हैं पेज 50 पे। पेज 50 पे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग थे सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे। ठीक है, पेज 50 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे थे। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि क्या क्या बदलाव आते हैं सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो अब समझो आपने क्या देखा भाई, क्या बदलाव आते हैं। जैसे कि आज मैं छोटी थी, ठीक है, आज कोई छोटा है तो कुछ सालों बाद वो बड़ा होगा, धीरे 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 ग्रोथ होगी टाइम के साथ। ठीक है, आपने क्या देखा, टाइम फैक्टर है। और जैसे भाई फ्रूट कच्चे हैं, लटके हुए हैं, जैसे मैंगोस कच्चे हैं, कुछ टाइम के बाद वो पक जाएंगे। ठीक है, सो टाइम एक अच्छा फैक्टर है। कहीं पे आपने जैसे इस तरह से आप चेंजेस करते हो, ठीक है, आप रोटी फुलाते हो, तो ये सब चेंजेस हुए, तो इसमें कुछ किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ी। पर कई बार ऐसे होता है दो चीजें मिक्स करते तो चेंज आता है, जब दो सब्सटेंसेस आप मिक्स करते हो तो चेंजेस आता है। ठीक है, सो तो जैसे आपने पढ़ा सॉल्ट इन वाटर पढ़ा था, चैप्टर 4 में पढ़ा था, तो किस में बदलाव आया, सॉल्ट में कि वाटर में। आपने एक एक्टिविटी पढ़ी थी कि भाई वाटर में जब आप सॉल्ट मिलाते हो और फिर वो पानी में पूरा घुल जाता है, तो आपने क्या पढ़ा था, तो क्या इसे चेंज करना है। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वॉटर। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वॉटर बी रिवर्स्ड। देखो अब यहाँ पे देखो, सॉल्ट में जब पानी मिलाते तो वो घुल जाता है, उसमें पूरा कंप्लीटली डिजोल्व होता है, ये भी तो चेंज है ना, सॉल्ट गायब हो गया। ठीक है, पर अगर आप ठीक है, तो और इसके अलावा अगर पानी में सॉल्ट मिक्स होती है तो वो बिल्कुल डिजोल्व हो जाता है, गायब हो जाता है, ये भी तो चेंज है ना, मतलब सॉल्ट गायब हो गया, दिस इज अ चेंज। और कई बार ऐसे होता है हम प्रोसेस करते हैं जिसमें सॉल्ट और पानी को अलग करते हैं, ठीक है, इवापोरेशन प्रोसेस से। आपको मैंने आपको बोला था ना, हमने चैप्टर किया था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें किस तरह से सब्सटेंसेस सेपरेट होते हैं और सॉल्ट सेपरेट होता है, वाटर वाटर बाफ बन के उड़ जाता है, इवापोरेट होके उड़ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरह से होता है, तो ये भी एक चेंज है। ठीक है, तो चेंज ही हुआ ना, दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया तो एक चेंज हुआ। ठीक है, तो जैसे आपने कभी दही देखी है जमाते, आप अपनी मम्मी को पूछना आप दही कैसे जमाते हो, या तो मम्मी के साथ आप खड़े रहना, ठीक है, आप छाछ पीते हो, कर्ड, CURD, कर्ड कर्ड दही कभी आपने देखी हो जमाते हुए मम्मी को, तो आप देखोगे कि मम्मी क्या करती है, मम्मी पहले दूध हल्का सा गर्म करती है, ठीक है, फिर उसमें मम्मी क्या करती है, थोड़ी सी एकदम थोड़ी सी दही मिक्स करती है, एकदम एकदम स्पून का एक नहीं, एक 1/4 भाग, स्पून का भी छोटा सा भाग ऐसे गोल गोल घुमाती है, फिर मम्मी है ना उसे ढक के कुछ घंटों के लिए रख देती है, तो वो दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या वापस, अभी मैं आपको कहूँ आपने दूध से दही किया, ठीक है, दूध से दही आपकी मम्मी ने जमाया, ठीक है, आप चाहो तो मम्मी के साथ खड़े भी रहना किसी दिन, और अगर फिर दही से वापस दूध करना हो तो क्या करोगे आप। ठीक है, सो वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस। देखो तो हमें और भी तरीके ढूंढने पड़ेंगे, मतलब वी फाइंड दैट फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी, तो आप किसी सब्सटेंस में कैसे चेंज ला सकते हो, एक तो उसको गर्म करो, ठीक है, आपने दूध को गर्म किया, उसमें दही हल्की मिलाई तो वो दही जम गई, ठीक है, गर्म करके एक सब्सटेंस में चेंज लाया जा सकता है, मिक्सिंग करके भी लाया जा सकता है, आपने देखा पानी में जब आप सॉल्ट मिक्स करते हो तो वो भी एक चेंज है। ठीक है, और वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स व्हाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, कुछ चेंजेस वापस रिवर्स हो सकते हैं और कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे आसपास चीजें बदलने के, इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, कुछ चीजें रिवर्स हो सकती हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोस दैट कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स, तो जो चेंजेस हैं आप दो में कर सकते हो। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि चेंजेस दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, इरिवर्सिबल मतलब एक रिवर्सिबल क्या होता है, आप पहले एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करो और वो वापस वैसा ही हो जाए। ठीक है, जैसे कि भाई आप बलून फुलाते हो, ठीक है, उसको गांठ मारते हो, फिर वो
आपने चेंज किया, ठीक है, बलून की शेप चेंज की, वापस आप गांठ खोल लो, वापस वो वैसा हो जाएगा. सो वो है रिवर्सिबल. और कई चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल, जैसे कि पेड़ों से पत्तों का गिर जाना, ठीक है, वो अब वो इरिवर्सिबल चेंज है, वो गिर गया, वो वापस जाके जोड़ नहीं सकते आप, ठीक है, वो इरिवर्सिबल. सो आप देख सकते हो चेंजेस दो तरह के होते हैं. फिर से देखो, जैसे मम्मी दही से दूध से दही जमाती है, ठीक है, मम्मी रात को दूध से दूध हल्का गर्म करके उसमें दही मिक्स करके सुबह मस्त अच्छी दही जम जाती है, ठीक है, पर मम्मी को बोलो मम्मी ये दही को वापस आप दूध कर दो, कर पाएगी? नहीं. मम्मी कहेगी ये इरिवर्सिबल चेंज है, इसे वापस चेंज नहीं कर सकते. सो इन हायर क्लासेस यू लर्न अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वेज कैन बी ग्रुप, ठीक है. सो इन शॉर्ट आपने इसमें पढ़ा कि भाई दो तरह के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल. चेंजेस बहुत तरह से किए जाते हैं, किसी भी सब्सटेंस में हीट करके कर सकते हो, दो सब्सटेंस को मिक्स करके कर सकते हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, ठीक है. तो इस तरह से मतलब चेंजेस अराउंड, ये सारे चेंजेस अराउंड अस, ये सारा चैप्टर था, बहुत ही इजी चैप्टर था. मैं अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो चैप्टर आपको ज्यादा अच्छे आइडिया आएगा. मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक बार ही आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना तो भी, ठीक है. सो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इस चैप्टर की. एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है आपकी पेज 51 पे, ठीक है. सो पेज 51 पे आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है. क्या है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में? To walk through a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress for folding. Can this change be reversed? देखो, कभी to walk through a waterlogged area, waterlogged मतलब पानी से भरी हुई area, जहां पे पूरा पानी पानी हो गया हो, पानी भर गया हो, तो उस area में जाते time आप क्या करते हो, आप अपने जो है आपने पैंट वगैरह या ट्राउजर पहना होता है उसको ऊंचा ले लेते हो, ठीक है, पैंट या ट्राउजर पहना होता है उसे ऊंचा ले लेते हो, उसे फोल्ड करते करके, ठीक है. तो क्या आप उसे वापस रिवर्स कर सकते हो, नीचे कर सकते हो? तो हाँ आप कर सकते हो. इट कैन बी रिवर्स बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस. आप वापस उसको फोल्ड, वो कह रहा है कि जब आप कहीं जाते हो किसी एरिया में, आप अपने पहुंचे ऊपर करते हो पैरों के, भाई आपके जो ट्राउजर या पैंट पहना होता है उसको ऊपर खींच लेते हो, तो क्या आपने उस ड्रेस को छोटा कर दिया? क्या वापस वो ड्रेस नीचे नहीं? हाँ कर सकते, आपने तो फोल्ड किया है, काटा कहाँ है, तो वापस आप नीचे कर सकते हो, ठीक है. सो पेज 51 पे एक्सरसाइजेस फर्स्ट क्वेश्चन 1. टू वॉक थ्रू अ वॉटर लॉक एरिया You usually shorten the length of your dress. आप अपने ठीक है, आप क्या करते हो, अपने ड्रेस की माप छोटी कर देते हो by folding it, उसको fold करके, by folding it, ठीक है. कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज वापस हो सकता है? कैन दिस चेंज बी रिवर्स? ठीक है, तो मतलब आप ऊंचा करते हो ड्रेस, तो हाँ ये चेंज रिवर्स किया जा सकता है. क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या इसे रिवर्स कर सकते हैं? कैन दिस चेंज बी रिवर्स? तो यस, ठीक है, यस इट कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है, यस इट कैन बी रिवर्स्ड बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस. क्वेश्चन 2. यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट. कभी भूल से आपका टॉय गिर जाता है और टूट जाता है, तो टूट गया टॉय, टूट गया, तो क्या आप उसको वापस जोड़ सकते हो? नहीं. हाँ शायद आप जोड़ भी पाओ, पर पहले जैसा तो एकदम नया तो नहीं कर सकोगे, ठीक है. कह रहा है अगर टॉय आपके हाथ से गिर के टूट गया तो ये रिवर्स हो सकता है, मतलब वापस ठीक हो सकता है.
तो नो नहीं हो सकता, क्यों? वैसा तो आप नया जैसा तो नहीं कर पाओगे, सो नो, ठीक है? सो यू एक्सीडेंटली ड्रॉप योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट. This is a change you did not want. Can this change be reversed? क्या ये change reverse हो सकता है? No, this change cannot be reversed. No, this change cannot be reversed. Question 3. Some changes are listed in the following table. For each change, write in the whether the change can be reverse or not. Change reverse. Reverse होना मतलब वापस पहले जैसा कर देना. Not reversed मतलब पहले जैसा नहीं कर पाना. ठीक है? So question 3. Some changes are listed in the table. For write reversed or not reversed. आपको reverse और not reversed लिखना है table में. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट में करना. इन्होंने साइड में जगह दी है, पांच छह कॉलम है पेज 51 पे, पांच छह कॉलम है, सामने जगह भी दी हुई है. ठीक है? सो द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ वुड ठीक है, sawing of a piece of wood मतलब आरी से काटना. ठीक है, आरी से काटना. तो आप जब भी वुड आरी से काटते हो, वुड आरी से काटते हो, ठीक है, आपने लकड़ा काट दिया, क्या वापस आप वो लकड़ा जोड़ सकते? sawing मतलब sawing, sawing मतलब आरी से काटना, तो वापस जोड़ सकते हो? नो, नॉट रिवर्स. ठीक है, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. ठीक है, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, आइस कैंडी का पिघलना. ठीक है, क्या आप उसे चेंज कर सकते हो? मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी मतलब कैंडी का मतलब कुल्फी वगैरह या चोपर वगैरह लेते हो तो पिघल जाती है, क्या आप वापस उसको कर सकते हो? हाँ, अगर भाई पिघल रही है, आपने किसी प्लेट प्लेट में कलेक्ट की है, तो वापस उसको फ्रीजर में रख दो, वो आइस हो जाएगी, मतलब वापस जम जाएगी. सो यस, उसको आप रिवर्स कर सकते हो, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. डिजॉल्विंग शुगर इन वॉटर, तो वॉटर में शुगर डिजोल्व करना, तो क्या ये रिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल है. तो आप शुगर डिजोल्व करते हो वॉटर में, ठीक है, तो आप क्या वापस उसे रिवर्स कर सकते हो? शुगर जब डिजोल्व करते हो, आप पानी में क्या करते हो? चीनी घोलते हो, तो क्या आप वापस वो पानी में से आप चीनी कर सकते हो? तो डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वॉटर, मैंने आपको सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में एक मेथड पढ़ाया था, उसमें आप ऐसा कर सकते हो. ठीक है, जैसे इवापोरेशन में कैसे होता है, पानी उड़ जाए, नमक रह जाए, तो हाँ इसको भी आप कर सकते हो. ठीक है, इसके क्रिस्टल फॉर्म, इसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड आप करके हाँ करा जा सकता है. ठीक है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पर करा जा सकता है रिवर्स. सो डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वॉटर, डिजोल्विंग शुगर इन वॉटर.
मतलब रिवर्स्ड, कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्स और नॉट रिवर्स लिखना है ना, तो रिवर्स्ड रिवर्स्ड, ठीक है। फोर्थ, द कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाना। अब मम्मी ने कच्ची सब्जियों से खाना बना दिया, अब वापस क्या मम्मी उस पके हुए खाने को वापस कच्चा कर सकती है? नो, वो नॉट रिवर्स, उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। सो द कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, सो नॉट रिवर्स। फिफ्थ, द राइटनिंग ऑफ अ मैंगो, ठीक है, मैंगो पक जाता है, ठीक है, राइटनिंग, राइटनिंग का मतलब पक जाना, ठीक है, मतलब कच्ची कैरी होती है, कच्ची कैरी से मैंगो बनता है, ठीक है, तो मैंगो पक जाता है एकदम मस्त खाने जैसा, तो क्या उस मैंगो को वापस आप कच्ची कैरी कर सकते हो? नहीं, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिसको आप वापस कच्ची कैरी कर दो। सो राइटनिंग ऑफ अ मैंगो, सो नॉट रिवर्स, द राइटनिंग ऑफ अ मैंगो, ठीक है, राइटनिंग ऑफ अ मैंगो नॉट रिवर्स। सिक्स्थ, स्टोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क में खट्टापन आ जाना, सो मिल्क अगर खट्टा मतलब दही समझ लो ना, दूध मतलब दूध खट्टा हो जाए, फट जाए, स्टोरिंग ऑफ मिल्क मतलब दूध खट्टा हो गया, फट गया, तो फटे हुए दूध को वापस दूध कर सकते हो? नो, वो कर ही नहीं सकते आप, वो फट गया तो उसमें से पनीर बनेगा या मावा बनेगा, पर वो वापस वैसा का वैसा तो नहीं होगा, नॉट रिवर्स, ठीक है। सो स्टोरिंग ऑफ मिल्क नॉट रिवर्स। क्वेश्चन फोर, अ ड्रॉइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट, कैन यू रिवर्स दिस चेंज। देखो, आप एक ड्रॉइंग शीट पे पिक्चर बनाते हो, ठीक है, आप जब उस पे पिक्चर बनाते हो तो आप वापस जैसे एक ड्रॉइंग शीट है, ठीक है, आप मतलब प्लेन पेपर है, आप उस पे पिक्चर बनाते हो, आपने पेंटिंग कलर्स किए, सब मस्त पिक्चर बनाई, तो अब क्या आप वापस उसको प्लेन पेपर कर सकते हो? नहीं। देखो, अगर आपने पक्के कलर यूज किए हैं, ऑयल पेंट या आपने वाटर कलर, स्केच कलर, चॉक कलर्स, पेन, कोई भी कलर्स यूज किए हैं, तो वो वापस पेपर पहले का पहला जैसा नहीं होगा, पर अगर आपने पेंसिल से ऐसे ही ट्रेसिंग हल्के हाथों से किया तो आप इरेज कर दो, आपका पेपर पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर किसी ड्रॉइंग शीट ऑफ पेपर पे मतलब किसी प्लेन पेपर पे आप पेंटिंग करते हो, क्या वो रिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल है, पर उसने क्लियरली नहीं पूछा है, तो आप लिखोगे अगर अगर मैंने उस पे पेंटिंग कलर, स्केच कलर, चॉक कलर किए हैं तो वापस पहले जैसा नहीं होगा, नॉट रिवर्सिबल, पर अगर मैंने उस पे पेंसिल चलाई है तो वो रिवर्सिबल, ठीक है। सो क्वेश्चन फोर, अ ड्रॉइंग शीट चेंजेस when you draw a picture on it, can you reverse the change? No, we cannot get fresh drawing sheet once a picture is drawn in it with paint, oil or water colors. ठीक है, नहीं, हम नहीं कर सकते. No, we cannot get fresh drawing sheet once a picture is drawn on it.
पेंट ऑयल और वाटर कलर्स, ठीक है। अगर आप पेंटिंग कलर से करते हो तो वो वापस सेम टू सेम नहीं हो सकता। विद पेंट ऑयल पर अगर आपने सॉफ्ट पेंसिल यूज किया, मतलब हल्के हाथों से पेंसिल यूज किया, तो चेंजेस कर सकते हैं। वी कैन रिवर्स द चेंज बट वी कैन रिवर्स द चेंज इफ सॉफ्ट पेंसिल इज यूज्ड। इफ सॉफ्ट पेंसिल का मतलब हल्के हाथों से, सॉफ्ट पेंसिल is used to draw the picture. ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 5। गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स तो कि भाई चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं और नहीं रिवर्स हो सकते हैं। Give examples to explain the difference there are changes that can be reversed or cannot be reversed. ठीक है, so examples देने हैं। So examples, give examples of changes that can or cannot be reversed. That can और कैन नॉट बी रिवर्स्ड आंसर। ठीक है, सो रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस। सो रिवर्सिबल ठीक है, सो चेंजेस रिवर्स हो रहे हैं या इरिवर्स। तो पहला है ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, आप जब बल्ब जलाते हो, ठीक है, और उसको बंद भी कर सकते हो, आप वापस उसको बस स्विच ऑन ऑफ करना है, सो वो रिवर्सिबल है। ठीक है, सो ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, कह रहा है एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल। ठीक है, सो रिवर्सिबल का ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब का जलना। ठीक है, उसे आप बंद भी कर सकते हो, चालू भी कर सकते हो। ठीक है, फिर टच मी नॉट वाले प्लांट्स होते हैं। टच मी नॉट वाले प्लांट्स कैसे होते हैं, आप उनको टच करते हो तो वो बंद हो जाते हैं, फिर वापस खुल जाते हैं, तो वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, सो Closing of touch me not plant। ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, आपने मतलब उसको हाथ लगाया तो वो वापस चालू बंद हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है यहाँ पे इरिवर्सिबल में, जो चेंज वापस, मतलब जो चेंज हो गया हो गया, वापस वो पहले जैसा नहीं हो सकता है। सो एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का रस्ट होना मतलब आयरन को जंग लग जाना। ठीक है, लोखंड को जंग लग जाना, वो है एग्जाम्पल इरिवर्सिबल का। ठीक है, इसके बाद दूध में से दही जमना, वो भी इरिवर्सिबल है, आप वापस पहले जैसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, सो इस तरह से अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6, अ थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इनमोबिलाइज्ड, कैन द चेंज इन पीओपी कैन बी रिवर्स्ड। देखो,
अब ये चीज थोड़ी आपके समझ में आए नहीं आए क्योंकि थोड़ी सी हायर लेवल की चीज है, पर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको पेस्ट बनाते हैं, और जब भी समझो किसी की हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर, हम नहीं, आप देखते हैं प्लास्टर लगता है काफी लोगों को, हड्डियां टूट जाती हैं लोगों की, तो जो ऑर्थोपेडिक के पास, आप हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको प्लास्टर करते हैं। तो कैसे प्लास्टर करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं, आपको आपको जहां भी आपको फ्रैक्चर हुआ है वहां वो लोग आपको बैंडेज लगा देते हैं, ठीक है। सो बैंडेज के ऊपर वो लोग आपको वो एक व्हाइट कलर का पेस्ट लगाते हैं, मतलब व्हाइट कलर का वो आपको पेस्ट लगा देते हैं, ठीक है। सो वो क्या होता है, फिर थोड़े टाइम में वो सूप मतलब हार्ड हो जाता है, ठीक है, थोड़े टाइम में इट बिकम्स हार्ड ऑन ट्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर बोन इमोबिलाइज, ठीक है। सो वो हार्ड हो जाता है, तो क्या होता है, ये एक चेंज है, मतलब ये एक चेंज है। जब आप क्या करते हो, मतलब डॉक्टर क्या करता है, आप देखना कभी से किसी की हड्डी टूटे नहीं भाई, भगवान करे सब सुखी रहो ठीक रहो, पर सपोज किसी की हड्डी टूटती है, ठीक है, तो जब आप मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं हड्डी टूटती है तो एक बैंडेज लगा के ऊपर व्हाइट कलर का पेस्ट लगा देते हैं, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और ऑटोमेटिक थोड़े टाइम के बाद एकदम वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो क्या आप वापस उस सख्त को वापस उसको सॉफ्ट कर सकते हो, तो नहीं, ठीक है, वो इरिवर्सिबल चेंज है। अगर पाउडर हो पाता तो आप घर आते तो प्लास्टर नहीं, आप हफ्ते हफ्ते लोग महीने महीने दो दो महीने लगा के रखते हैं, ठीक है, नहीं, क्यों, क्योंकि वो केमिकल चेंज है, केमिकल मतलब उसमें कुछ रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, तो इसीलिए वो वापस नहीं बदल सकते। मोस्टली जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो नहीं बदल, इवन दूध का दही बनना भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है, उसको आप वापस नहीं बदल सकते। सो क्या कुछ अंदर केमिकल्स का कुछ चेंज हुआ तो आप वापस उसको नहीं बदल सकते, ठीक है। सो क्वेश्चन 6, अथिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में पीओपी भी बोलते हैं, इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन, ऑन अ फ्रैक्चर्ड बोन, इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज, टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज, कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड, तो पीओपी में चेंज क्या रिवर्स हो सकता है, कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड, ठीक है। सो आंसर, सो नो, ठीक है, आंसर है नो, द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सिंस इट इज अ केमिकल चेंज। A bag of cement lying in the open, अब सेवेंथ नंबर, A bag of cement lying in the open gets wet due to rain during the night. The next day the sun shines brightly. Do you think the changes which are in the cement could be reversed? देखो, एक यहाँ पे सेवेंथ नंबर में एक आपको मतलब एक आपको चीज बोली गई है, क्या कि आपके घर में, ठीक है, आपके पापा ने सीमेंट का बोरा उतरवाया, ठीक है, आपके पापा ने, मम्मी ने, ठीक है, जो भी, तो घर में आपके सीमेंट की बोरी उतरवाई, सीमेंट तो पता है ना आपको,
टाइल्स वगैरह फिट करने में ऐसे काम आता है। तो वो क्या हुआ, पापा ने उतरवाई या मम्मी ने उतरवाई, तो वो खुली बोरी थी, वो बंद नहीं थी, पैक नहीं थी, खुली थी। अब क्या हुआ, रात को बारिश पड़ गई और वो पूरी सीमेंट में पानी चला गया, पूरी सीमेंट में। अब सुबह धूप निकल आई, बहुत तेज धूप निकली, अब वो सीमेंट एकदम जम गई, एकदम पत्थर की तरह जम गई। तो क्या आप वापस उसको पहले जैसा कर सकते हो? नो, वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है, क्योंकि सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर गई, वो भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है, आप उसको वापस नहीं बदल सकते हो, ठीक है। सीमेंट की बोरी पापा ने उतरवाई या मम्मी ने उतरवाई घर में कोई काम करने के लिए, कड़िया काम करने के लिए, पर खुली रह गई, कोई बंद करने गया नहीं, किसी ने अंदर ली नहीं, पूरी रात भीगती रही, भीग के वो पत्थर, कठिन पत्थर हो गई। सो इट इज नॉट रिवर्सिबल, आप कुछ भी उसको कूटो, आप उसको तोड़ो, पर वो पहले जैसा नहीं होगा, नो, ठीक है। सो वो इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है, वो पहले जैसा नहीं हो पाएगा। सो अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट, ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। द नेक्स्ट डे द सन शाइन्स ब्राइटली, दूसरे दिन सूरज, द नेक्स्ट डे द सन shines brightly. Do you think the changes which have occurred in the cement could be reversed? Do you think the changes which have occurred in the cement could be reversed? No, these are irreversible chemical changes. ये क्या है, irreversible chemical changes है. No, these are irreversible, मतलब ना बदले जाने वाले, irreversible केमिकल चेंजेस, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस के, ठीक है। सो ये पेज 51 पे जो एक्सरसाइज थी, तो ये आपकी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, ठीक है। सो ये 7 क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में थे। बच्चों अभी चैप्टर की एक्सरसाइज तो हमने कर ली, इस चैप्टर की बहुत इजी चैप्टर था, अब हम इसके थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज आजकल हॉट फेवरेट चल रहे हैं स्कूल्स में, तो हम एमसीक्यूज देख लेते हैं, ठीक है। सो एमसीक्यूज फर्स्ट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स मतलब मेण का पिघलना, मेल्टिंग, सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज, ठीक है, ए केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, सी बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेण का पिघलना, मेण का पिघलना एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल मतलब देखने में, मतलब जो आप देख सकते हो, ठीक है, अंदर से कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, आप देख, फिजिकल क्या होता है, आप देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो आप, सो फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ
फिजिकल चेंज, फिजिकल केमिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज मतलब कुछ केमिकल्स, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में पढ़ा था, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपने क्या पढ़ा था कि भाई लकड़ा मिक्स हो रहा है, आपने ऐसा कुछ पढ़ा था ना प्लास्टर ऑफ पेरिस में, सो वो एक हुआ आपका केमिकल चेंज, भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस में भाई वो एकदम सख्त हो गया था पाउडर कठिन। बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, सेकेंड है बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना, ए केमिकल चेंज, बी फिजिकल चेंज, सी रिवर्सिबल, डी ऑल ऑफ थ्री। ठीक है, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना क्या वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, तो वो बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है, ठीक है, मतलब वो एकदम जल गया, राख बन गया, ठीक है। सो मतलब पेपर बर्न कैसे हुआ, आपको पता है कोई भी चीज बर्न कैसे होती है, तो हवा में ना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, तो जब तक वो ऑक्सीजन मिलती नहीं है ना चीज को, वो चीज जलती नहीं है, ठीक है। बारिश में क्या होता है, आप माचिस जलाने का ट्राई करते हो, जलता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वातावरण में भेज ज्यादा होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उसकी कमी के कारण वस्तु जलती नहीं है, सो ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या है, एक केमिकल है, तो इसलिए कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वॉटर, उबलते हुए पानी में से बाफ बनना, स्टीम मतलब बाफ, बॉइलिंग वाटर मतलब उबलता हुआ पानी, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर इज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, केमिकल या नन ऑफ दिस, ठीक है, रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल है, केमिकल है या कोई भी चेंज, सो ए रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज, नन ऑफ दिस, ठीक है, सी केमिकल चेंज, डी नन ऑफ दिस। ठीक है, सो स्टीम उबलते हुए पानी से बाफ बनना, ठीक है, उबलते हुए पानी से बाफ बनना, सो रिवर्सिबल चेंज, ठीक है, सो ये है रिवर्सिबल चेंज। और द चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड, वो चेंज जिसमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है आपको, कुछ नया ही मिलता है, तो वो कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज, जो नया ही चीज मिल जाए, ठीक है, जैसे कि पाउडर में पानी मिला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला है, तो आपको पट्टा मिल गया, मतलब वो फ्रैक्चर वाला पट्टा, सो वो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। सो द चेंजेस, ये चीज याद रखना, द चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड, ए फिजिकल चेंजेस, B केमिकल चेंजेस, C फास्ट चेंजेस, स्लो चेंजेस, ठीक है। सो नया सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, स्लो चेंजेस। तो देखो नया सब्सटेंस बनता है तो वो क्या है, वो है केमिकल चेंज, ठीक है, जब नया सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज, ठीक है, मतलब ऐसा सब्सटेंस एकदम नया ही सब्सटेंस बन गया, सो दैट इज अ केमिकल चेंज। फाइव, द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन
इन अ रिएक्शन आर कॉल्ड, मतलब वो आपने समझो कोई रिएक्शन करवाया, मतलब कोई दो चीज का रिएक्शन हो और कुछ नया मिला, सो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। मैं आपको लिखा देती हूँ, आप लिख तो काम आएगा। ठीक है, मतलब रिएक्टेंस, मतलब जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इस साइड रिएक्टेंट्स होते हैं और वो बनाते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आप याद कर लो ऐसे रिएक्टेंट्स, जैसे कि दूध और दही, दूध में दही का मिलना वो रिएक्टेंट हुआ, और फिर कर्ड बनना, बहुत सारी कर्ड बनना, वो प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, सो इस मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो नया कुछ नया मिले उसे प्रोडक्ट कहते हैं। सो यही वो बोल रहा है कि द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन आर कॉल्ड ए रिएक्टेंट्स बी प्रोडक्ट्स सी नन ऑफ दीस। तो क्या कहलाता है द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, फॉर्म्ड मतलब बनते हैं, रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस बनते हैं, देखो यहां तो प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है, जो बनने में काम आते हैं वो रिएक्टेंट्स, और जिनके मिलने से कुछ नया बनता है वो प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो आंसर है फॉर्म्ड, फॉर्म्ड वर्ड आया ना फॉर्म्ड, सो इसका मतलब प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो बी ए ए बी बी, बी ए ए बी बी। ठीक है, अच्छा अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं एक तो, सो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फर्स्ट, कैन यू से डिफॉरेस्टेशन इज एन इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज, कैन यू से डिफॉरेस्टेशन इज अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंज है। तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटना, पेड़ों डिफॉरेस्टेशन, व डी मतलब काटना, फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों, तो पेड़ों का काटना, पेड़ों का कटना क्या है, रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, सो इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज, सो इरिवर्सिबल चेंज। सेकेंड, Does the size of paper change after making an aeroplane by folding it or by cutting it? ठीक है, so does the size of aeroplane change by cutting it? मतलब साइज ऑफ, डस द साइज ऑफ पेपर चेंज बाय कटिंग इट, अगर आप तो पेपर को कट करते हो तो उसकी साइज चेंज होती है, हाँ ऑब्वियसली होती है, आप कट करोगे कुछ भी बनाने के लिए, एरोप्लेन हो कुछ भी हो, सो हाँ वो होती है, यस, सो आंसर इज यस। ठीक है, सो ये ऐसे छोटे मोटे से ही क्वेश्चंस हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट आर स्लो चेंजेस व्हाट आर फास्ट चेंजेस, तो व्हाट आर स्लो चेंजेस, थ्री, व्हाट आर स्लो चेंजेस, स्लो चेंजेस क्या होते हैं, स्लो मतलब धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, स्लो का मतलब एकदम धीरे धीरे चेंजेस, तो धीरे धीरे जैसे लोखंड है, लोखंड आपका धीरे धीरे, उसको धीरे धीरे जंग लगेगी, उसको इंग्लिश में रस्टिंग ऑफ आयन कहते हैं, लोखंड को जंग लग जाना उसे रस्टिंग ऑफ आयन, तो
तो आप देखोगे बरसात के टाइम आपकी मम्मी बोलती है काट लग गई, ठीक है, इसको काट लग गई, उसको काट लग गई, दरवाजे आवाज करने लगते हैं ची 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 ची, तो वो क्यों होता है, काट लग जाती है, साइड में लोखंड होता है ना, सो तो वो स्लो चेंज है, ऐसे अचानक से ऐसे नहीं रात को सोए सुबह को काट लगी, वो धीरे 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 लगता है। फ्रूट्स का पकना मतलब कच्ची कैरी का आम बन जाना, वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है, ऐसे तो है नहीं कि पेड़ पे जादू से आम आ गया और हम खा रहे हैं, ठीक है, वो भी एक लंबा प्रोसेस होता है, सो वो एक स्लो चेंजेस। सो स्लो चेंजेस कौन से होते हैं, द चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड स्लो चेंजेस, ठीक है, वो चेंजेस वो जो बहुत लंबे समय में होते हैं मतलब टाइम लेते हैं उन्हें स्लो चेंजेस, एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयन और राइटनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, सो एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन का जंग लगना और राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, सो ये है, ये होता है स्लो चेंज। फास्ट चेंज क्या होता है, फास्ट चेंज द चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो व्हाट आर फास्ट चेंजेस, आंसर द चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस, तो वो चेंजेस जो कम समय में हो जाते हैं, सो कैसे कौन कौन से चेंजेस हैं जिनमें बहुत टाइम नहीं लगता है, तो बर्निंग ऑफ पेपर, आप पेपर जलाओ एक मिनट में जल जाएगा, ठीक है, इसके बाद ब्लोइंग ऑफ बलून, बलून भी जल्दी, तो बर्निंग ऑफ पेपर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, सेकेंड है ब्लोइंग ऑफ बलून, बलून को फुलाना, ठीक है, सो इस तरह से ये क्या है, ये एक स्लो चेंज है, ओ फास्ट चेंज है, ठीक है, सो हम यही हमारा चैप्टर ये खत्म कर रहे हैं, चैप्टर इज एंडिंग हेयर ओनली, सो अगर आपको कुछ एक बार रीड कर लेना, ठीक है, चैप्टर बहुत ज्यादा इजी था, एक बार रीड कर लेना, चैप्टर बहुत सिंपल था, एक्सरसाइज करी हमने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन के, जस्ट डू ईच एंड एवरी थिंग एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, ठीक है, चलें, थैंक यू।